हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, यूरोपियन यूनियन से अलग हो सकता है तुर्की देश। तुर्की के राष्ट्रपति इर्दोगन, इनके द्वारा कहा गया कि तुर्की यूरोपियन यूनियन से अलग हो सकता है। और यहाँ पे जो ये बात है इम्प्लाई करती है कि जो तुर्की की मेंबरशिप बिड है वो यूरोपियन यूनियन के साथ में खत्म हो सकती है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, आप इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, G20 समिट 2023 भारत की अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर को न्यू दिल्ली के अंदर सक्सेसफुली आयोजित करवाई गई। इसके अंदर तुर्की के द्वारा भी हिस्सा लिया गया और तुर्की के राष्ट्रपति इर्दोगन ने यहाँ पे भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट किया। और उनके द्वारा कहा गया यदि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलती है तो यहाँ पे उनको गर्व होगा, ये उनके द्वारा कहा गया। और यहाँ पे तुर्की के राष्ट्रपति ने भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी सपोर्ट किया। लेकिन अब उनके द्वारा हाल ही में ये बयान जारी किया गया है, ये उनके द्वारा कहा गया है कि जो तुर्की देश है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो सकता है। इसके बारे में हम कंप्लीटली डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कंप्लीटली इस आर्टिकल के बारे में, इस पूरे के पूरे मैटर के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ न्यूज़पेपर के अंदर देख सकते हैं, तुर्की के राष्ट्रपति इर्दोगन, इनके द्वारा कहा गया है कि तुर्की देश यूरोपियन यूनियन से अलग हो सकता है और यहाँ पे जो तुर्की की मेंबरशिप बिड है वो भी खत्म हो सकती है, ये उनके द्वारा कहा गया है। राष्ट्रपति इर्दोगन के द्वारा शनिवार को कहा गया कि जो तुर्की है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो सकता है। और ये बात इम्प्लाई करती है कि यहाँ पे जो देश है वो सोच रहा है जो तुर्की की मेंबरशिप बिड है ज्वाइन करने की 27 नेशन ब्लॉक को, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। इसके बारे में यहाँ पे जो देश है वो सोच रहा है और यहाँ पे खत्म हो सकती है। उनके द्वारा ये बताया गया जब वो डिपार्ट कर रहे थे 78th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क के अंदर, जब यहाँ पे जाने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति डिपार्ट कर रहे थे तो उनके द्वारा रिपोर्टर्स को कहा गया कि जो यूरोपियन यूनियन है वो एफर्ट्स कर रहा है कि तुर्की से जो नाता है, तुर्की से जो रिश्ता है वो तोड़ दिया जाए, जो टाइज हैं तुर्की के साथ में उनको तोड़ने के लिए यहाँ पे यूरोपियन यूनियन कोशिश कर रहा है, यह उनके द्वारा कहा गया। मैं आपको थोड़ा सा 78th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो कि न्यूयॉर्क के अंदर होगी उसके बारे में बता देता हूँ। जो 78th सेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, ये फीचर करेगा हाई लेवल जनरल डिबेट को जो कि ट्यूसडे 19 सितंबर से शुरू होकर सैटरडे 23 सितंबर 2023 तक होगी एंड ट्यूसडे 26 सितंबर को होगी। इसके अंडर यहाँ पे जो थीम है वो है रीबिल्डिंग करना ट्रस्ट का और रिग्निटिंग करना ग्लोबल सॉलिडेरिटी को। और यहाँ पे जो एक्शंस हैं ऑन द 2030 एजेंडा के ऊपर उनको एक्सेलरेट करने की बातें भी की जाएंगी। ये एक यहाँ पे हाई लेवल की जो जनरल डिबेट है उसको फीचर किया जाएगा 78th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इस सेशन के अंदर। यहाँ पे उनके द्वारा कहा गया, उनको एक क्वेश्चन को रिस्पोंड करते हुए उन्होंने कहा कि हम सिचुएशन को इवेलुएट कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएंगे। ये यहाँ पे तुर्की के राष्ट्रपति इर्दोगन के द्वारा एक क्वेश्चन को रिपोर्ट करते हुए ये बात कही गई। और उन्होंने ये कहा कि जो एसेसन प्रोसेस है उसको रिज्यूम नहीं किया जा सकता अंडर करंट सर्कमस्टांसिस। और उन्होंने ये बात भी कही कि यूरोपियन यूनियन एक्सप्लोर करे एक पैरेलल एंड रियलिस्टिक फ्रेमवर्क को ताकि जो यूरोपियन यूनियन के और तुर्की के रिलेशंस हैं उनके लिए यहाँ पे यूरोपियन यूनियन एक एक्सप्लोर करे पैरेलल एंड रियलिस्टिक फ्रेमवर्क को, ये बात भी उनके द्वारा कही गई है। यहाँ पे जो तुर्की के राष्ट्रपति इर्दोगन हैं उनकी स्टेटमेंट सैटरडे को आई है और ये स्टेटमेंट जब आई है, जब यहाँ पे
एक हफ्ते से ज्यादा का जो समय बीत चुका है जब तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा इस बात को यहां पे अफर्म किया गया कि जो तुर्की देश से रिजोल्व कर रहा है ज्वाइन करने के लिए यूरोपियन यूनियन को, एंड उन्होंने यूरोपियन यूनियन जो कि ब्लॉक है इससे अर्ज किया है कि एक क्रेजियस स्टेप लें ताकि जो ये बिड है इसको एडवांस करें, जो मेंबरशिप बिड है तुर्की की उसको एडवांस करने के लिए यहाँ पे उनके द्वारा अर्ज किया गया। ये स्टेटमेंट आई थी तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा, और उसके एक हफ्ते से ज्यादा समय बीतने के बाद में यहाँ पे तुर्की के राष्ट्रपति इर्दोगन के द्वारा ये कहा गया है कि जो तुर्की देश है वो यूरोपियन यूनियन से अपने जो टाइज हैं, जो मेंबरशिप है, और जो अलग हो सकता है यूरोपियन यूनियन से। अब हम थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन के बारे में जानेंगे। यूरोपियन यूनियन जो कि एक यहाँ पे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है 27 मेंबर स्टेट्स का, और ये सब भी जो है लोकेटेड है प्राइमरली यूरोप के अंदर। यूनियन का जो टोटल एरिया है दोस्तों यहाँ पे ये है 42,33,255 किलोमीटर स्क्वायर और 16,34,469 स्क्वायर मील। एंड दोस्तों जो एक एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है यूरोपियन यूनियन की वो है ओवर 448 मिलियन। ये जो ब्लॉक है 448 मिलियन की जो पॉपुलेशन है वो कंसिस्ट करता है। यूरोपियन यूनियन जिसको ऑफन डिस्क्राइब किया गया है एज ए स्यूई जेनरिस पॉलिटिकल एंटिटी विदाउट प्रेसिडेंट और कंपैरिजन, और यहाँ पे कंबाइनिंग करता है, करेक्टरिस्टिक करता है ये ऑफ बोथ अ फेडरेशन की एंड अ कॉन्फेडरेशन की। ये दोनों की दोनों जो करेक्टरिस्टिक है फेडरेशन की और कॉन्फेडरेशन की यहाँ पे जो है ये कंसिस्ट करता है यूरोपियन यूनियन दोनों कंबाइन करेक्टरिस्टिक्स को। कंटेन करता है 5.8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो कि रिपोर्ट है 2020 के मुताबिक 5.8% वर्ल्ड की कंटेन करता है। एंड जो यूरोपियन यूनियन है ये जनरेट करता है एक नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ अराउंड 16.6 ट्रिलियन US डॉलर इन 2022। ये 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 16.6 US डॉलर ट्रिलियन की जो जीडीपी है वो यहाँ पे जनरेट की गई यूरोपियन यूनियन के द्वारा, और कॉन्स्टिट्यूट करता है अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ जो ग्लोबल नॉमिनल जीडीपी है। 1/6 जो ग्लोबल नॉमिनल जीडीपी है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, एंड द थर्ड बिगेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बाद में ये थर्ड बिगेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन। एडिशनली जो सारे के सारे यूरोपियन यूनियन स्टेट्स हैं सिर्फ यहाँ पे बुल्गारिया को छोड़ के उनका एक वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पे सिर्फ बुल्गारिया को छोड़ के बाकी जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन के उन सभी का वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट HDI जो बोलते हैं हम जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। यूरोपियन यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो ऑर्गेनाइज है एज अ डायरेक्टोरियल सिस्टम, जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो जॉइंटली एक्सरसाइज की जाती है बाय सेवरल पीपल्स के द्वारा। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो कंसिस्ट करती है यूरोपियन काउंसिल को एंड यूरोपियन कमीशन को। जो यूरोपियन काउंसिल है वो सेट करती है ब्रॉड पॉलिटिकल डायरेक्शंस यूरोपियन यूनियन के लिए, और ये कन्वीन करते हैं एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर, एक साल के अंदर 4 बार लगभग कन्वीन करते हैं, एंड कंप्राइज करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन एंड वन रिप्रेजेंटेटिव पर मेंबर स्टेट्स। जो ये मीटिंग होती है इसके अंदर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन एंड जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उन सभी से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, आइदर इट्स हेड ऑफ स्टेट और आइदर हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो एक साल के अंदर लगभग 4 बार मीटिंग की जाती है। और जो तुर्की के द्वारा यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए यूरोपियन यूनियन को अप्लाई किया गया था 1999 में, एंड जो एसेसन टॉक्स हैं वो शुरू हुई 2005 में। जो एसेसन नेगोशिएशंस हैं वो फ्रोजन कर दिए गए 2018 में बिकॉज ऑफ जो डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग था उसको देखते हुए यहाँ पे जो एसएसएन नेगोशिएशन थे तुर्की के वो फ्रोज कर दिए गए थे यूरोपियन पार्लियामेंट के मुताबिक। तुर्की जो कि एक ऑफिशियल कैंडिडेट है ज्वाइन करने के लिए यूरोपियन यूनियन को 24 सालों से, लेकिन जो एसएसएन टॉक्स हैं वो स्टॉल्ड की गई रिसेंट ईयर में जब ब्लॉक ने कंसर्न किया अबाउट
ह्यूमन राइट वायोलेशंस को लेके और रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ को लेके, इनको लेके यहाँ पे जो टॉक्स थी एसएसएन टॉक्स उनको स्टॉल्ड कर दिया गया, क्योंकि तुर्की के अंदर जो भी ह्यूमन राइट वायोलेशंस और रूल ऑफ लॉ के रिस्पेक्ट को यहाँ पे देखते हुए ब्लॉक ने जो टॉक्स है उनको स्टॉल्ड किया। यूरोपियन यूनियन, अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट कही गई है कि यूरोपियन यूनियन जो कि ट्राइंग कर रहा है ताकि ब्रेक अवे करे फ्रॉम टर्की से, यहाँ पे राष्ट्रपति इर्दोगन के द्वारा रिपोर्टर्स को बताया गया है जब वो उनके ट्रिप है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जहाँ पे वो 78 जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसको वहाँ पे अटेंड करेंगे, और इनके द्वारा यहाँ पे कहा गया कि वी विल मेक अवर एवल्यूशंस अगेंस्ट दिस डेवलपमेंट्स, जो भी डेवलपमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट में यहाँ पे जो भी एवल्यूशंस हैं वो बनाएंगे, और अगर नेसेसरी होगा तो यहाँ पे वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएंगे। और जो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर, उनके द्वारा अर्लियर कहा गया था कि यूरोपियन जो पार्लियामेंट है उन वो रिपोर्ट जो कंटेन करती है अनफाउंडेड एलिगेशंस एंड प्रिजुडिसेस और टुक अ शैलो एंड नॉन विजनरी अप्रोच टू द कंट्रीज टाइज विद द यूरोपियन यूनियन। यहाँ पे उनके द्वारा कहा गया था कि जो भी यूरोपियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है वो अनफाउंडेड एलिगेशंस कंटेन कर रही है, और जो एक शैलो एंड नॉन विजनरी जो अप्रोच है वो यहाँ पे कंट्रीज टाइज के साथ में जो है यूरोपियन यूनियन शो कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कंप्लीटली इसके बारे में समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।